दोस्तों, और एक पीस ऊपर में जो है जॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस वाले फट्टे को जो है इसके ऊपर में और एक पीस जॉइंट लगाना होगा, तब तो जाकर 3 फुट 2 इंच का बनेगा। ये पूरा का पूरा जो है सागवान का लकड़ी है। दोस्तों, फेविकॉल लगाते समय उसका वीडियो नहीं बनाया अभी, जो हम फिलहाल तो डायरेक्ट ही इसको यहाँ पर चिपकाते हैं कुछ इस तरह से। फेविकॉल लगा लेने के बाद में कुछ इस तरह से जो ये फट्टे को आगे पीछे कर कर जो है मिलाना पड़ता है। दोस्तों, फाइनली जो हमने इसको फेविकॉल से यहाँ पर जो है चिपका दिया है। अभी ये जो फट्टा जो हमने ज्वाइन किया था, अभी ये लगभग सूख गया है, तो अभी इसको जो है अभी रंडा मारते हैं। दोस्तों, हेयर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, तो हेयर भी कट कर दिया है, तो अभी कुछ इस तरह से छोटा छोटा हो गया है। तो चलिए, अभी जो है इस वाले फट्टे को जो है रंडा मारते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हमने कुछ देर पहले जो है ज्वाइन कर कर सूख यहाँ में सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी हमने जो है खाना वाना भी खा लिया, तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमने जो फट्टे को यहाँ पर गिरा दिया है नीचे में, और वो रहा प्लेनर मशीन, जो कि ये वाला जो पार्ट है ये देख सकते हैं आप, तो इसको जो है लेवलिंग में लाना है। ये देख सकते हैं, यहाँ ये जो थोड़ा सा ऊंचा है और ये थोड़ा डाउन है, तो इसको जो है अभी रंडा मार से जो लेवल करते हैं।
फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमने प्लेनर जो है चला दिया है इस पर, ये देख सकते हैं काफ़ी सारा जो इसका जबड़ा भी जम गया है।